नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। दस दिन से जैन समाज का आंदोलन चल रहा था। जैन समाज दिन रात बेचैन था। एक फिक्र बार बार सता रही थी कि सम्मेश शिखर जी के पर्यटन स्थल क्यों बन गया है। किसी भी सूरत में वहाँ पर सैलानियों को मौज मस्ती सैर सपाटा की इजाज़त न मिले। साफ साफ शब्दों में कहें तो सम्मेश शिखर जी क्षेत्र में मांस मदिरा मौज मस्ती पर रोक लगे। ये मांग मुंबई दिल्ली अहमदाबाद व अन्य प्रांतों से एक साथ उठी थी। जैन समाज की मांग माननी पड़ी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जैन तीर्थों और सम्मेश शिखर जी की पवित्रता की रक्षा हेतु जो अध्यादेश जारी किया उसके लिए महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि पूरा जैन समाज प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद करता है और उनके दीर्घ आयु की कामना करता है। वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार जैन धर्म गुरुओं ने किया है। गुरुदेव नए पद्म सागर जी के चंद्र में वंदन करते हुए भारत में विभिन्न स्तर पर विराजित सभी गुरु भगवंतों को साधी भगवंतों को वंदन करते हुए कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद गाइडेंस से जो अध्यादेश जारी हुआ उसके लिए सारा जैन समाज सारा अहिंसक समाज प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि वंदना करता है, चरण स्पर्श करता है। दो बातें मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक, जब मूलतः ये अध्यादेश जारी हुआ था तब इसके अंदर भावना बहुत स्पष्ट थी कि सम्मेश शिखर जी को ये इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करके उसकी रक्षा की जाए, पर कालांतर में जब झारखंड सरकार ने जिस तरह से वह एक्टिविटी करने की शुरू की उसके कारण ये सारी समस्या का निर्माण हुआ। पर प्रधानमंत्री जो सभी धर्मों के लिए एक बहुत आदर का भाव रखते हैं, उन्होंने जैन धर्म के प्रति विशेष आदर भाव रखते हुए सरकार को विशेष निर्देश करके 48 घंटे के अंदर अंदर ये सारे पुराने जो विषय को क्लेरिफिकेशन की जरूरत थी वो उन्होंने कल करवाया। और एक ऐसा व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री है जिसके नेतृत्व में विश्व के अंदर भारत के अंदर धर्म की रक्षा हो रही है। श्रीराम का मंदिर बन रहा है, सम्मेश शिखर जी की रक्षा हो रही है, पालीतना की रक्षा हो रही है। उसके बाद में सारे जैन समाज के लोगों का ये जिम्मेदारी है कि हम छोटी छोटी बातों में ना पकड़ पड़ते हुए कि इसको वो वहां पर था ये यहाँ पर नहीं था, ये शब्द आया वो शब्द नहीं आया, ये सबको छोड़ दें और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नतमस्तक होकर उनको धन्यवाद देते हुए सारा जैन समाज एक है सरकार के साथ में रहकर सरकार की भावना के साथ में जुड़कर अपनी बातों को ज्यादा अच्छी तरीके से कम्युनिकेट किया जा सकता है। पर इसके बाद भी यदि अपने में से कोई व्यक्ति इससे अलग कोई रुख अपनाना चाहता है तो वो समाज का फायदा करेगा या नुकसान करेगा आने वाले इतिहास बताएगा, पर हम इतिहास के वेट नहीं करेंगे। हम अभी निर्णय करते हैं, हम कोटि कोटि माननीय प्रधानमंत्री जी को वंदन करते हैं। सम्मेश शिखर जी की रक्षा हो, पालीतना की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो, सारा समाज माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में है। जय जिनेंद्र। पुण्यशाली आत्मा पूरे जैनों के अंदर देश और विदेश के सभी जैन बहुत आनंदमय और उल्लासमय अनुभव कर रहे हैं। जैनों के अंदर दिवाली का उत्सव का माहौल शुरू हो गया है। हमारे लोकप्रिय लोक लाडले आध्यात्मिक महापुरुष युग पुरुष ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोनों महातीर्थों की रक्षा के लिए ये पवित्र अध्यादेश जारी करवा करके भारतीय संस्कृति के बारे में अद्भुत अपना परिचय दिया है। वो बहुत दीर्घ दृष्टा है, बहुत विजनरी है और उन्होंने आज तक जो भी किया है वो अद्भुत और अद्वितीय है। और ये महापुरुष दीर्घायु रहे और भारतीय संस्कृति समग्र विश्व के कल्याण के लिए और अधिक आगे बढ़ाने में सफल रहे ऐसा पूरे जैन समाज का आनंद है। हम सभी साधु संत और पूरा जैन समाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना हृदय से बहुत आशीर्वाद और उनके शतायु की हृदय से कामना करते हैं। एवी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ।
चलते चलते गुजारिश विनती अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।